ऐसे नहीं है, वो सदाकत ने भी। परीसा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मेरे स्टोर की सैलरी के कुछ ड्यूज बाकी हैं, तो पैसे सदफ मैम ने परीसा को दे दिए हैं ताकि वो मुझ तक पहुंचा दे। तुम उसे मिलने जाओगी? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अभी। परेशान क्यों हो रही है? अच्छा, मैं परीसा से स्टोर में नहीं मिलूंगी, कहीं बाहर मिल लूंगी, ठीक है? फिर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ये काम खत्म करके। मैंने कहा ना कि आप परेशान ना हो, वैसे भी वक्त और हालात ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया है। मैं बस अभी गई और अभी आई। और हाँ, आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें किसी का भी खौफ हो। देखो अमल, मैं जानती हूँ तुम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना और जल्दी घर वापस आना। ओके, खुदा हाफिज़। क्या बात है भाई, बड़ी राजो न्याज की बातें चल रही हैं माँ बेटी में। कुछ नहीं, कोई काम था? हाँ ये लो। ये क्या है, किस चीज के पैसे? अरे भाई ये राफे के स्कूल की फीस है, अक्सर भूल जाता था मैं, मैंने सोचा कि आज तो मैं देकर ही रहूंगा। मामू, राफे की स्कूल की फीस तो मेरी सैलरी से पे होती आई है ना। वैसे भी मुआनी के मुताबिक आपका हाथ अभी तंग है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए पैसे आप रख लीजिए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हाँ सदाकत, रख लो ये पैसे। अमल ने राफे की फीस जमा करा दी है। मुझे बताया तो होता, मैं पहले दे देता। बताती रही हूँ तुम्हें, शायद मसरूफियत की वजह से भूल जाते थे कि तुम्हारी बहन ने बड़े मान से तुमसे कुछ मांगा था। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मेरी अमल ने मुझे संभाल लिया है, मेरे लिए बस यही काफी है। और हाँ, मैं और मेरे ये यतीम बच्चे इस घर से तुम्हें दुआ देकर ही जाएंगे। सलामत रहो नोमी और शानजे, पर कभी जमाने की धूप ना लगे, क्योंकि अपनी औलाद को तपती धूप के नीचे देखकर माँ बाप को बहुत तकलीफ।